हेलो नमस्ते एवरीवन, आज हम बनाएंगे छोले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने छोले का पैकेट ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर दूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे को इसको बॉईल करना है। इधर मैंने एक ब्लेंडिंग जार में अनियन, ग्रीन चिल्लीज, रेड चिल्ली, थोड़ा सा लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और अब मैं इसे फाइन पेस्ट बना लूँगी। सेम ऐसे ही मैंने इधर 3 लार्ज टोमेटोज लिए हैं, इनका भी मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर छोले बॉईल हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने पेस्ट है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट रेडी कर लिया है और इधर हमारा टमाटर का पेस्ट भी रेडी है। तो अब हम कुकिंग के प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था, इसमें मैं धनिया पाउडर डालूँगी। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। मैंने अब इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दी है। यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके कंटेनर में रख दिया था। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। और 1 पाउच मैजिक मसाला डाल दूंगी। यहाँ मैंने पैन में सरसों का तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें बे लीफ। उसके बाद मैंने इधर हींग, जीरा और लौंग और कुछ काली मिर्च ले ली है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया था पहले। इसे अच्छे से तेल में भून लूंगी। ये वही मसाला है जो जिसमें हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर एक पेस्ट बनाया था, वही पेस्ट है। तो मैं अच्छे से भून लूँगी। अब हमारे प्याज जो हैं वो भुन गए। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। हमें इतनी देर तक भूनना है कि ये टमाटर भी जो है ऑयल छोड़ने लग जाए। जैसा आप देख सकते हैं, टमाटर का पेस्ट भी भुन गया है अच्छे से, टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉयल छोले। अब मैंने इसमें छोले डाल दिए हैं। अब मैं इसे 2 सीटी और लगा के कुक करूंगी। इधर थोड़ा सा छोला मसाला डाल दिया है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने छोलों में 2 विसल लगा दी है। अब मैं करती हूँ इसकी प्लेटिंग। हमारे छोले तैयार हैं। छोले बनकर तैयार हैं। मैंने इसे गार्निश किया धनिया पत्ती के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।